अभूतपूर्व कदम है बिहार के अंदर, तो आप जानकारी क्यों नहीं देते हैं? कहीं आप भी तो उसमें संलिप्त नहीं है? पुलिस का या सरकार का मनोबल घट नहीं सकता है कि हम शराबबंदी से समझौता कर लें? घमंड में चूर, एटीट्यूड में चूर ये लोग बिहार को कहीं भी जोक देने के लिए तैयार है। आनंद मत लीजिए, जनता को दिग्भ्रमित मत करिए, या नहीं तो कहिए कि आपके लोग संलिप्त हैं और आप चाहते हैं कि शराबबंदी कानून लागू नहीं हो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। विपक्ष इन दिनों सदन में खूब जमकर आवाज उठा रहा है शराबबंदी को लेकर। जो आप अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ है वहाँ है, सब में व्यापत राम, यानी कि ईश्वर सब जगह है लेकिन दिखते नहीं हैं। ठीक वही हाल है बिहार में शराब का। शराब यहाँ है वहाँ है, दिखता नहीं है लेकिन है सब जगह। कैसी बेतुकी बात है इन लोगों की। ज़रा समझिए कि वाल्मीकि जी ने जब रामायण को लिखा था तब उन्होंने राम भगवान को देखा भी था, लिखा भी था। और ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि हर जगह होम डिलीवरी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे इनमें इन्वॉल्व हैं, और साथ साथ 100 का माल हजार में बिकता है, यह आरोप लगाया जाता है विपक्ष के जिम्मेदार नेताओं द्वारा। मेरा सवाल है आपके माध्यम से उन लोगों से कि अरे भैया 100 का माल हजार में बिकता है, आपको कैसे मालूम चला? आपको जब कहीं मालूम है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, शराबबंदी कानून लागू है गांधी जी के विचारों के अनुरूप, अभूतपूर्व कदम है बिहार के अंदर, तो आप जानकारी क्यों नहीं देते हैं? कहीं आप भी तो उसमें संलिप्त नहीं है? विपक्ष कहता है कि जिम्मेदारी आपकी है, पीठ थपथपाते हैं सरकार की आप, तो वो क्या करेंगे? उनको पता है तो आपको बता। पीठ थपथपानी चाहिए प्रशासन की और पुलिस की। लगातार जो शराब की खेप पकड़ी जाती है, अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद में एक बड़ी खेप पकड़ी गई, नवादा के भलुआ गांव में एक बड़ी खेप पकड़ी गई। तो जब इतनी जगहों पर खेप पकड़ी जाती है शराब की, तो वह पुलिस की मुस्तैदी का ही नतीजा है ना। छापामारी करने का उसके साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी है कि वह पुलिस बल के साथ नहीं जा पाए थे, पहले से अपराधी घात लगाए हुए थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया है, सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया है, लेकिन इन सब के साथ कभी पुलिस का या सरकार का मनोबल घट नहीं सकता है कि हम शराबबंदी से समझौता कर लें। आप लोग भले इस तरह की बयानबाजी करके पुलिस का मनोबल गिराइएगा, जनता को दिग्भ्रमित करिएगा, आपका पार्ट है वो, लेकिन सरकार इससे समझौता नहीं करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा सदन में कि लाख बुराई है मुझ में, माफ कीजिए, कभी आप अपना आईना भी तो साफ कीजिए। चलिए साधुवाद देने की बात है उनको कि उनको अपने अंदर की बुराई दिखती भी है, नहीं तो घमंड में चूर, एटीट्यूड में चूर ये लोग बिहार को कहीं भी जोक देने के लिए तैयार है। शराबबंदी के मुद्दे पर अभी भी मेरा स्टैंड कायम है। विपक्ष के लोग, अगर आपको जानकारी है कहीं कि शराब का अवैध कारोबार हो रहा है, पुलिस तक जानकारी पहुंचाइए। आनंद मत लीजिए, जनता को दिग्भ्रमित मत करिए, या नहीं तो कहिए कि आपके लोग संलिप्त हैं और आप चाहते हैं कि शराबबंदी कानून लागू नहीं हो। आप कांग्रेस को देख लीजिए, क्या कह सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल नहीं है? कैसे कह लेंगे कि शराबबंदी फेल है? हर जगह पुलिस खेप पकड़ती है शराब तो रहा ना कि हाँ आता है। अच्छा एक बात बताइए, हत्या के लिए कानून बना, इसका क्या मतलब है कि पूरे विश्व में हत्या नहीं होती है? अरे किसी की इतनी हिम्मत होती है और वह शराब की तस्करी करता है, अवैध शराब का कारोबार अगर करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है और जो कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। तो कोई कानून अगर किसी अपराध के लिए बनता है तो इसका यह मतलब तो नहीं होता ना कि 100% वह अपराध बंद हो जाए? पूरे विश्व के किस कोने में ऐसा है? हत्या और बलात्कार एक बड़ा अपराध है ना, हर जगह उसके खिलाफ कानून है। पूरे विश्व में आप कहीं का भी डाटा उठा कर देख लीजिए, शून्य हो गया क्या? कम होता है, कंट्रोल करती है सरकार, सरकार की मंशा क्लियर है, सरकार की नियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। फिर ये बयान कि कभी तो अपना आईना साफ कीजिए। अरे उनको बयान देने दीजिए, बेचारे बयान देते देते ही विपक्ष में बैठ गए। उनका राजनीतिक संस्कार उन लोगों का कैसा है, बिहार की जनता इस बात को बखूबी जानती है। और जो लोग लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते हैं, लोकतंत्र में अपनी आस्था नहीं रखते हैं, वो लोग क्या कर पाएंगे? उनको बयान देने दीजिए, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। बीते 15 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतने काम हुए हैं और आने वाले 5 वर्षों में भी बिहार स्वर्णिम काल में जाएगा। और शराबबंदी से मैं फिर बता दूं, अभूतपूर्व कदम है। बिहार एक ऐसा राज्य है, रेवेन्यू की इतनी कमी है। कांग्रेस या कोई कह रही है कि शराबबंदी को खत्म करना चाहिए, तो क्या वो भूल में है? देखिए अभी मैं एक टीवी चैनल पर भी था, बड़ा हास्यास्पद होता है। कांग्रेस का संविधान है, कांग्रेस की नीति है कि भैया शराब पीने वाला इंसान अच्छा नहीं है, हम गांधी जी के विचारों को मानते हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक दल के नेता है श्री अजीत शर्मा जी, विधायक है, टीवी पर पत्र लिखा है, टीवी पर बयान दिया है बकायदा, ये लोग समर्थन में होते हैं कि शराबबंदी खत्म की जाए। तो आप अपने मैनिफेस्टो में लिख दीजिए ना कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे, शराबबंदी अच्छी चीज नहीं है। मैं तो हमेशा लोगों से पूछता हूं कि शराबबंदी के खिलाफ आप लोग इतना कुछ कहते हैं, एक फायदा बताइए ना शराब का, एक कोई मौलिक फायदा बताइए,
कोई सामाजिक फायदा बताइए आप शराब का, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपको शराब सवाल, क्या अभिषेक झा भी शराब नहीं पीते हैं? देखिए ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है, मैं तो चाय भी नहीं पी पाता हूँ। मैं कॉलेज में भी था, चाय का सेवन भी कभी कभार किसी ने कह दिया, और ये शराब और बाकी सारी चीजें तो बहुत दूर है। ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है मुझ पर कि मैं इन चीजों से दूर हूँ, निश्चित रूप से। बिहार में शराबबंदी का जो कानून है वो सख्ती से लागू होगा, और इसे सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस जो है वो तत्पर तैयार है। भले ही विपक्ष लाख बार कह ले कि शराबबंदी कानून को हटाया जाए, शराबबंदी कानून हटने से रहा बिहार में, ऐसा साफ साफ कहा है जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।